इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। Okay, वरीय अधिकारी से हम बात करते हैं, क्योंकि सारे लेवल सारे चीजों का समाधान मेरे स्तर से संभव नहीं है। आज तीन दिन से जब बिजली की समस्या राजेश्वरी पूर्वी 5 नंबर वार्ड में है। हम लोगों को सर राजेश्वरी पूर्वी पंचायत में जो है ये समस्या बरसों से आ रहा है। ये क्षति है, मतलब राष्ट्रीय क्षति है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। गलत आरोप लग रहा है, इस भीड़ को आप, आक्रोश जो लोग हैं इनको आप संभाल पाइएगा? आप झूठ बोलकर के आप घंटों से आपका मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, लेकिन आप जा करके आश्वासन दिए इनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं छातापुर पावर ग्रिड में और अभी हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए तैयार हैं जो एलके निराला जी हैं, युवा संघ के अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर यहां पर धरना दे रहे हैं और यहां पर बिजली विभाग पावर ग्रिड का घेराव कर रहे हैं। एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप लोग जो ये आज घेराव किए हैं पावर ग्रिड का, क्या मांगे हैं आपकी? एमके न्यूज का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमारी मांग को सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले एक महीना पहले हम लोगों ने इस विभाग को आवेदन दे करके अपनी समस्या से ध्यान आकर्षण करवाया था। उस समय ये पदाधिकारी जेई साहब और एई साहब दोनों ने दूरभाष के माध्यम से और बीडीओ साहब ने आवेदन पर लिखित रूप से रिसीव्ड किया आवेदन और 10 दिन के अंदर सारी समस्या को सुलझाने की बात कही थी और वो लिखित में है। और एक महीना हो गया है, उसमें से एक भी समस्या पर काम भी नहीं चला है। और 5 आदमी का डेलीगेशन टीम बना था, नंबर लिया गया था कि इनसे बात करके आपकी समस्या को सुलझाएंगे, आपको बुलाएंगे ऑफिस में। अभी तक किसी को कॉल नहीं आया। और जब आज तीन दिन से जब बिजली की समस्या राजेश्वरी पूर्वी 5 नंबर वार्ड में है, तब वहाँ के जब जनता उग्र हुआ, हम लोगों को बोला गया, तब हम लोग यहाँ पर कर्मचारी से मिलने आए। जब कर्मचारी से मिलने आए, जेई साहब अंदर में था, उसका कर्मचारी कहता है जेई का कि जेई साहब नहीं है। फिर दूसरा कर्मचारी पूछा जाता है, वो कहता है खाना खा रहा है। तीसरा कहता है कि बाहर चला गया है। तरह तरह की टाल मटोल की बात की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो मेन गेट है, इस पर ताला मार करके हम लोगों की मांग है, जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे। ये यहाँ समाजसेवी हैं, युवा भी हैं, कृष्णा जी हैं, बात करते हैं। आप लोग जो ये बिजली की समस्या को लेकर के इससे पहले भी आवेदन दिया था, तो क्या आश्वासन मिला था? हम लोगों को सर राजेश्वरी पूर्वी पंचायत में जो है ये समस्या बरसों से आ रहा है। हम लोग कितना बार फोन के माध्यम से भी इन लोग को कंप्लेन किए, बोले तो नहीं, ये लोग ना ही फोन हम लोग का रिसीव करता है, ना ही किसी भी समस्या पे एक्शन लेता है। हम लोग लिखित आवेदन इससे पूर्व एक महीना पहले दिए थे। 5 सूत्री मांग हम लोगों का था कि हम लोग का जो बिजली कटौती समस्या है, बिजली बिल का समस्या है, इस पे मतलब आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी समस्या पे कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। जेई साहब को अगर कोई भी आदमी फोन करता है, ये किसी का भी फोन रिसीव नहीं करते। इसका लाइनमैन जो भी होता है वो भी फोन रिसीव नहीं करते, वो कर भी लेते हैं। आप बताइए कितने लोग आए हुए, कहाँ कहाँ से आए हुए? राजेश्वरी पूर्वी से हम लोग आए हुए हैं, वार्ड नंबर 5 से। मेरा घर महादेव कुमार यादव मेरा नाम हुआ। ये क्षति है, मतलब राष्ट्रीय क्षति है, बच्चा पढ़ नहीं पाता। आज IAS IPS बनता, वो भी नहीं बन पा रहा है। साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता था, देश का सेवा करता, वो अवरुद्ध हो रहा है ये बिजली के कारण। ये लोग पूरा मनमानी कर रहा है, पूर्ण रूप से मनमानी है इन लोगों का। हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब थोड़ा कीजिए, लेकिन हम लोग साहब है, लेकिन ये लोग साहब बनने के लिए तैयार हैं। बात करें सरकार की, तो एक तरफ सड़कें हो या बिजली हो, इस पर सरकार पूर्ण मेहनत कर रही है। छातापुर प्रखंड के एक राजेश्वरी पूर्वी पंचायत है, वहां पर जब कई वार्ड हैं उसमें यह स्थिति है कि कई दिनों से, यहां कहना है लोगों का कि 3 दिनों से तकरीबन बिजली नहीं आया है। अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, लोग अपना काम को कैसे पूरा करेंगे? जहां एक तरफ बिजली की चकाचौंध भरी लाइफ गुजर रही है लोगों का, तो वहीं पर यहां राष्ट्रीय क्षति की बात हो रही है कि अगर बिजली समय पर नहीं दिया जाए, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो इसको राष्ट्रीय क्षति भी कहा जा सकता है। यह विभागीय अनदेखी है, विभागीय मनमानी है, और विभाग इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए हम यहाँ जेई साहब से भी बात करते हैं कि आखिर इससे पहले अल्टीमेट भी दिया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई क्यों नहीं हुआ? ऐसा दुर्व्यवहार और सौतेलेपन सिर्फ राजेश्वरी पंचायत के साथ हो या कई भी पंचायत के साथ क्यों होता है? यहाँ पे इसका जिम्मेदार कौन होता है? एमके न्यूज इंडिया यहाँ के युवाओं के साथ यह सवाल करती है विभाग से कि आखिर ऐसे विभागीय अधिकारी क्यों चुप रहते हैं और अंदर दुबक करके बैठ जाते हैं और सवालों का जवाब देने के लिए बाहर तक नहीं निकलते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बताने के लिए भी, समझाने के लिए भी नहीं निकलते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और किस लिए यहाँ पर है और क्या उनको करना है। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको इससे पहले राजेश्वरी पूर्वी से वहाँ के ग्रामीण आकर के आवेदन दिया था बिजली को लेकर के, मनमाने तरीके से बिजली कटौती किया जाता है, क्या है कुछ मामला? देखिए, जानबूझकर कटौती कभी नहीं किया जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, बरसात में बिजली में कुछ फॉल्ट ज्यादा होता है,
और फीडर की लंबाई अधिक होने के कारण उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जिस भी अवधि का हो बिजली बाधित। लेकिन बात हो रही है कि तीन दिनों से यहाँ पर बिजली बाधित है, इस पंचायत के कुछ वार्ड है उसमें तीन दिनों से बिजली बाधित है, इस पर क्यों नहीं आप लोग एक्टिव होकर के काम करवा रहे हैं कि एक घंटा दो घंटा हो या 24 घंटा हो, यहाँ 72 घंटे की बात हो रही है, 72 घंटे से बिजली नहीं है, आखिर क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? 72 घंटे से नहीं है इसकी जानकारी हमको नहीं थी, हमको आज सवेरे बताया गया। आरोप लग रहा है कि आप फोन तक भी नहीं उठाते हैं, तो आपको कैसे जानकारी? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभा पा रहे हैं? हमसे जितना हो पा रहा है हर संभव प्रयास कर एक एक उपभोक्ता का फोन रिसीव करें, ठीक है? जब बिजली खराब होती है तो हम एक से बात करते हैं, 10 कॉल वेटिंग में रहता है, ठीक है? तो संभव नहीं है कि हमारे को कॉल बैक करके पूछे। लेकिन कुछ बात ऐसे आ रही है कि आपका फोन जो है एक दूसरे नंबर पर लगाया जाता है और कॉल वेटिंग में आ जाता है, कोई भी फोन करता है तो उसका कॉल अक्सर वेटिंग बताता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? तो वही तो हम आपको बोल रहे हैं, जब खराब होती है बिजली तो हमको मिस्त्री से ही बात करना होता है, वो ठीक करवाएंगे ना, ये छोड़ तो नहीं देंगे, पब्लिक का भी कॉल उठाना पड़ता है, तो जिस समय हम किसी से बात कर रहे होंगे और आप हमको फोन लगे तो क्या बताएगा आपको? तो अभी जो कुछ यहाँ के युवा आए हैं वहाँ से बात करने के लिए, तो आप निकलना मुनासिब नहीं समझे, ऐसा क्यों? हमसे किसी के द्वारा बात करने का प्रयास नहीं किया गया? कर्मचारी यहाँ से बताते हैं कि यहाँ नहीं है जय साहब, ये तो बाहर बता रहे हैं लोग, अभी इनसे हम पूछे हैं ये तो बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं। आपसे क्या पूछा गया था, तो आप क्या जय साहब में काम कर रहे थे, उधर से आए तो देखिए पूरा भीड़ था, मुझे क्या काम है, तो जय साहब से मिला, हम लोग बैठिए दो मिनट, क्या काम है, बैठिए जय साहब दो मिनट में मिल रहे हैं आप लोग। ऐसा यहाँ पर आरोप लगा नहीं, रेखा जी आरोप लग रहा है, गलत आरोप लग रहा है, इस भीड़ को आप आक्रोश जो लोग हैं इनको आप संभाल पाइएगा, आप झूठ बोल करके साथ ये नीरज जी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, हम यही बात बोले हैं, ये पहले भी बोले कि सर आ रहे दो मिनट में मिल रहे हैं आप लोग से, बैठिए हम जबकि यार से आए। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि जी साहब यहाँ नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आप बाहर जाकर के आश्वासन दिए सर, यहाँ पे आप घंटों से आपका मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, आप जाकर के आश्वासन दिए? अभी तक तो लगता है एक घंटा ही लोग आए भी नहीं हुआ है, आप कह रहे घंटों से ताला लगा हुआ है, आधा घंटा पौने घंटा से पहले फोन आया है, वही ना, तो एक घंटा लगभग इन लोगों को हुआ है आए हुए, ठीक है? आए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आए शटर बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए? आपने आपके कर्मचारी ने उनको बताया कि यहाँ पर बात करने के लिए है ही नहीं, जय साहब से बोल रहे हैं कि है नहीं, पीछे ये बोल रही है, उनका भी आरोप सुन लीजिए, ये बोल रही है ना कि बैठिए दो मिनट मिल रहे हैं सर, तो आश्वासन दीजिए, आप आश्वासन दीजिएगा ना, आप जाकर के आश्वासन क्यों नहीं, जानकारी मिलेगा तब तो ना, अभी जानकारी मिली है, क्या अभी जाएंगे आप? अभी तो गए थे ना, गए थे क्या बात हुआ ना अभी हम लोगों से, हमको लिखित जानकारी मतलब सूचना पा रहा है आपसे, उनका कहना है कि लिखित आश्वासन जब तक नहीं देंगे हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे, ये इनका कहना। ठीक है, वरीय अधिकारी से हम बात करते हैं, क्योंकि सारे लेवल सारे चीजों का समाधान मेरे स्तर से संभव नहीं है, जो हमारे स्तर का है, बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ। ये देखिए जेई साहब है और इनका नाम है बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी, और इनका कहना है कि मुझे यह जानकारी ही नहीं है कि बाहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है एक घंटे से, और यहाँ पे कर्मचारी है जो रेखा जी है, इनका कहना है कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, जबकि सरासर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब जेई साहब के बारे में पूछा गया तो जेई साहब सामने निकल कर नहीं आते हैं, और इन किसी कर्मचारी के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि जेई साहब यहाँ पर नहीं है। आक्रोशित ग्रामीण ने मेन गेट पर ताला लगा करके विरोध करना जब स्टार्ट किया तब जेई साहब नजर आए, और आश्वासन देने की बात हुई तो लिखित आश्वासन मांग रहे हैं कि ऐसी समस्या फिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, जो ये समस्या है इस समस्या से निदान मुझे कब मिलेगा, यह जेई साहब भी बताने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वरीय अधिकारी की बात है और अपने पर से जिम्मेदारी हटा करके वरीय अधिकारी पर ये टाल रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वरीय अधिकारी की जिम्मेदारी है, जो उनका होगा हम सूचना देंगे, सूचना के बाद जो भी कुछ वहां से बात होती है, जो भी आदेश होता है उस आदेश का पालन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ, इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं।